और इसी बीच राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट का सारा से हुआ तलाक, चुनाव में दिए एफिडेविट में सचिन ने लिखा तलाकशुदा। ये देखिए बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। 19 साल पहले हुई थी सारा और पायलट की शादी। सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं और एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। आरण और विहान के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मेंशन था एफिडेविट में, पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में लिखा था सारा पायलट। अब इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा हुआ है। तो फारूक अब्दुल्ला की बेटी है सारा पायलट, जिनसे तलाक की जो बात है वो सामने आ रही है। 9 साल पहले भी अलग होने की चर्चाएं चली थी, अब एक बार फिर से ये चर्चाएं सामने आ गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये तमाम जो सियासी खबरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर टिकट को लेकर जहाँ पर महामंथन चल रहा है, दूसरी तरफ एक और ये खबर निकलकर बड़ी सामने आई है कि सचिन पायलट और सारा का तलाक हो गया है, क्योंकि एफिडेविट में सचिन पायलट ने खुद को तलाकशुदा लिखा है। बिल्कुल, देखिए 2018 की एक तस्वीर थी जब डिप्टी सीएम के अल्बर्ट हॉल पर सचिन पायलट है वो शपथ ले रहे थे, उसमें उनकी जो माँ है रमा पायलट, सारा पायलट और जो उनके दो बच्चे हैं वो मौजूद नजर आ रहे थे और आगे आगे की रो में बैठे थे। लेकिन वो 2018 की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर अब बदल गई है 5 साल बाद। सीट वही है सचिन पायलट की, लेकिन जो एफिडेविट सचिन पायलट ने नामांकन जो दाखिल किया है और जिस नामांकन में उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने 3 नामांकन पत्र हैं वो दाखिल किए हैं, टोंक में आज उनकी सभा थी। लेकिन उस एफिडेविट से जो निकलकर खबर आ रही है उसमें यह है कि उन्होंने सचिन पायलट और सारा पायलट है उनके बीच तलाक हो गया है, यानी कि अब तक वो पति पत्नी के रूप में उनके नामांकन में ये दर्ज होता था 2018 तक के इलेक्शन में। लेकिन 2023 के इलेक्शन में जब वो नामांकन दाखिल करने गए और उन्होंने अपना एफिडेविट दिया तो उसमें उन्होंने तलाक बताया है, यानी कि उन दोनों के बीच में सारा जो अब तक वो पत्नी के आगे सारा पायलट लिखा करते थे, लेकिन अब वहाँ तलाक लिखा, तलाक शब्द का यूज है वो हुआ है लिखा है, यानी कि सचिन पायलट और सारा के बीच तलाक हो जाने की जानकारी जो है सार्वजनिक हो चुकी है। उनके एफिडेविट में जो उन्होंने बतौर आज जब अपना नामांकन दाखिल किया उसमें इसका जिक्र किया है। देखिए सचिन पायलट के जो एफिडेविट है उसमें उन्होंने एफिडेविट में उसमें आरन पायलट और विहान पायलट उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन पत्नी के कॉलम के आगे डाइवोर्स यानी कि तलाक लिखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यदि उनका एफिडेविट देखें तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और 2018 की जो तस्वीरें थी शपथ ग्रहण की जब अशोक गहलोत ने और तमाम मंत्रियों ने जो डिप्टी सीएम के बतौर, तो ये सचिन पायलट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है जो की एफिडेविट में तलाकशुदा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट और सारा जो है वो अलग हो चुके हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि दीपक बता रहे थे, मेंशन कर रहे थे यहाँ पर 2018 का एफिडेविट जिसमें उन्होंने पत्नी की कॉलम में सारा का नाम लिखा था, और ये 2023 का एफिडेविट हम आपको बता रहे हैं जिसमें उन्होंने पत्नी की कॉलम में तलाकशुदा लिखा है। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। चलिए इसी के साथ फिलहाल के